हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब भाई। होप कि आप सभी अच्छे हो। तो भाई आज हम आए हुए थे हरियाणा के अंदर, जो कि हम राहुल भाई के पास आए हुए। तो ये पहलवानी करते हैं और पहलवानी इन्होंने मतलब काफ़ी दिन छोड़े हो चुके हैं और अभी देसी वर्कआउट करते हैं और देसी मतलब औरों को टिप्स देते हैं कि देसी वर्कआउट करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपनी आसानी से बॉडी बना सकते हैं और अपने आप को तगड़ा कर सकते हैं। राम राम भाई, सारे भैया ना भाई, भाई अपने दौर तो भाई एक दो ही वर्कआउट हैं, सपाटे और रस्सा भाई। कंटिन्यू वर्क करी जाओ, इससे तो नखर जाओगे बाप भाई देता है। तो यो भाई ट्राई करके दिखाओ तुमने कुकर लगाने वे सही तरीका, उसका जो फायदा होगा जो सपाटे बॉडी में वो तो भैया नाम इस वीडियो में बताओ है बाप भाई देता है कैसे सही सपाटे लगाते हैं और कौन सी पोजीशन अच्छी होती है जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो हमने यहाँ पर दो ईंट ले रखे हैं और भाई दो ईंटों पर हाथ रखने के बाद आसानी से आप सपाटे लगा सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सही कंडीशन क्या होती है जिससे कि हमारी बॉडी पे फर्क आए। तो हमने यहाँ पर दो ईंट ले रखी हैं और हमें किस कंडीशन में मतलब ये इन दोनों ईंटा का भाई जो है वो अपर ने गैप देखना कितना। हाँ, गैप देखना, ज्यादातर जो गैप होना चाहिए वो जो है अपने शोल्डर है इसके लेवल का होना चाहिए। ठीक है, कोई अपनी बॉडी जिस बंदे की भी बिना ईंट टेके लगा के देख ले, जिस जाके तेरे हाथ टक्के वो इतना लेवल है। अगर तू इट्टा पर मार सके बिना इट्टा ही मार सके, कोई इतनी बड़ी जरूरी बात ना, तो नहीं इट्टे चाहिए पर या इस पर थोड़ी जम के लाग जाएगी, थोड़ी ग्रिप अच्छी बन जाती है हाथों की। हाँ। तो हमने यहाँ पर शोल्डर के सामने ईंटे लगा लिए, मेरे लेवल के शोल्डर है। हाँ। तो हमने यहाँ पर ईंट लगा लिए, इस साइड आ जाए भाई, इस साइड पे वीडियो दिखाओगा जब बढ़िया दिखेगी। तो हमने यहाँ पर ये दो ईंट लगा रखी है, यहाँ पर तो शोल्डर के सामने ईंट लगा लिए और पैर हमें मतलब ज्यादा वाइड करने क्लोज करने पैर अपने आप जितनी ईंट है ईंटा अंदर अंदर रखने हैं ईंट अंदर। और हमें अपनी कोहनी जो अंदर की तरफ रखी है या बाहर की तरफ, इस कंडीशन में या बाहर की तरफ, ये इस कंडीशन में। हाँ। और ये नीचे। हाँ। ऊपर। हाँ। पीछे। हाँ। सपाटा लगा, सपाटा पूरा उठ के। अच्छा। हाँ। ये देखो भाई जो तरीका है वो देख लो भाई, जो करते ये उतार दो राहुल भाई, ये उतार दो। अरे ना ये जो ईट है भाई ये रख दी भाई, सिंपल ही बात है, इसमें कुछ नहीं करना, बस बैठना है और उठना है भाई, सिंपल साधारण भाषा ही बात है अपनी कितनी नॉर्मल के करना भाई, बैठना है और उठना है, इस तक कुछ नहीं करना। तो यह भाई अपनी शुरुआत, ये दो ईट हैं इन पे ये बैठ गया, पर पहला अपनी नॉर्मल तो नॉर्मल भाई अपनी यह पोजीशन लो, पोजीशन बना नू जाओ, नू आओ, नू हो जाओ। तो इसने सपाटे कह दिया रे भाई, जाकर किसी भाई ने और गणा प्रॉपर दिखते हुए सीखना ना, तो अपनी वीडियो जो करे बना के इस तरीके तक लेके अपनी तो एक मैच कर ले, जो कोई भाई भी बढ़िया मारता उसके गला तुमने अपने आप दिख जाएगा अख मैं कित गलत हूँ कित सही हूँ। तो भाई यहाँ पर जो सपाटे लगा रहे हैं इसमें लगभग हमारी सारी ही बॉडी का वर्कआउट हो रहा है। कुछ भाई क्या करते हैं अपने अपर बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं या फिर लोअर को ट्रेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं लगभग हमारा मतलब यहाँ पर किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको अपनी बॉडी को लेकर कहीं पर भी जाना है और आपको इस कंडीशन में दो ईंट लेने और भाई फुल बॉडी का वर्कआउट आसानी से कर सकते हैं और अपने आप को तकड़ा बना सकते हैं। क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं इस कंडीशन में, जब हम नीचे जाते हैं इस कंडीशन में तो हमारे जो पूरे लोअर बॉडी यानी कि पूरे लेग्स हैं अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाते हैं और जब हम नीचे जाते हैं इस कंडीशन में नीचे जाना पूरा नीचे, जब नीचे जाओ जब भी अच्छी चाट बढ़नी चाहिए इस चीज के, तो पूरा ऊपर जाते हैं तो हमारी जो अपर बॉडी है ट्राइसेप बाइसेप फोरआर्म से एकदम बैक और शोल्डर और चेस्ट एकदम फुल लोड है। वापस हम इस कंडीशन में जाएंगे और वापस ऊपर जाएंगे, ये तो ये आपको इस कंडीशन में परफेक्ट सपाटे लगाने। हाँ। तो इससे आप थोड़े बिगनर हैं तो भाई आप स्लो स्लो स्टार्ट कर सकते हैं, वरना आप थोड़े एडवांस हैं तो आप आसानी से मतलब ज्यादा भी आसानी से लगा सकते हैं। जो ज्यादातर छोटे भाई नहीं हैं ज्यादातर तो वो ही इस कर्म न कर सके भाई, क्योंकि वो एक हार्ड वर्कआउट है, इस पर जो तेरी शुरुआत है वो बचपन से होगी, बचपन से जिस भाई की होगी नजर जितनी अच्छी होगी ना वो उतना ही अच्छा बनता जाएगा। क्यों मैं कहना ज्यादा समय देने की जरूरत ना, बन तो तू दो ढाई साल में जागा पर बन के भी डटे रहना और फिर उसमें नखार लेना, उस खातर भी तुम्हें कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ेगा भाई। और भाई बहुत 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 भाई डिमोटिवेट होते हैं कि भी हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है और कोई कहीं पर भी जाने का समय नहीं है। तो भाई हम वर्कआउट करें तो करें कैसे और अपने आप को फिट कैसे रखें, तो भाई ये जो वर्कआउट है आपकी दुनिया के किसी भी कोने पर आसानी से कर सकते हो, आप अपनी छत पर कर सकते हो, कमरे में कर सकते हो, भाई आपके पास पार्क है तो भाई पार्क में आसानी से इस वर्कआउट को आसानी से फॉलो कर सकते हो। पर भाई आपको अपने आप को तो थोड़ा ताकतवर बनाना, तो भाई उसके लिए आपको थोड़ी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि भाई कुछ भाई क्या करते हैं पूरा वर्कआउट करते हैं, वो सोचते हैं कि वर्कआउट से हमारी बॉडी में ताकत आएगी या फिर हमारी बॉडी तकड़ी हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी डाइट पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आपके बजट में डाइट आती है, घर का खाना आता है, देसी जो खाना होता है हमारा चने होते हैं और जो बादाम वगैरह और जो घी दूध होते हैं उसका यूज करके आप अपने आपको ताकतवर आसानी से बना सकते हैं और अपने आपको तकड़ा बना सकते हैं। तो राहुल भाई बॉडी दिखा दो एक बार। बॉडी
तो भाई ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एकदम नेचुरल घी दूध से बनाई हुई बॉडी है, और जो दंड बैठक लगाते हैं हाँ उसी से बनाई हुई बॉडी है, देसी सपाट है, देसी सपाट। और भाई यहाँ पर जो आप 35 फीट का रास्ता देख पा रहे हैं, ये 35 फीट का रास्ता ये इसी से वर्कआउट करते हैं और 500-600 ये सपाटे लगाते हैं और उसी से इनका वर्कआउट हो जाता है आसानी से, और इनकी जो बॉडी एकदम ताकत भर है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ऐसी आप बॉडी जिम में जाकर भी आसानी से नहीं बना सकते, और इन्होंने भाई ने देसी डाइट लेकर और भाई देसी वर्कआउट करके आसानी से इतनी तकड़ी बॉडी बना रखी है, और यहाँ पर एकदम सारी ही बॉडी मस्कुलर है और साइज भी एकदम बढ़िया बना रखा। तो भाई ऐसे ही इतनी कोई बड़ी बात ना भाई यार, कुछ भी बड़ी बात ना। अगर मैंने देख जब मैंने रोज के 300 सपाटे भी लगाए तो जब भी मेरे 1 साल में 1 लाख सपाटे हो गए, बनते मैं 2 साल में गया, पर उसने एक डेली रूटीन में रखने खातर मैं लगातार कंटिन्यू चल ही गया, तो नखरी जागा जितना लंबा समय होता जागा उतना तू नखर जागा, बस बना कर डटना है तो उस खातर भी तो सपाटे मारने पड़ेंगे भाई। हाँ भाई, तो अपने आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा कि उस भाई क्या करते हैं, एक आध दो दिन सपाटे लगाते हैं, फिर डाइट लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट मतलब नहीं आते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनती। तो भाई एक हफ्ते या फिर एक दिन में या फिर 2 दिन में आपकी बॉडी बनने वाली नहीं है, कुछ लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा अपनी बॉडी को, अपने आप को एकदम ताकत भर बनाना और भाई एकदम मस्कुलर बनाना है और एकदम सुडोल शरीर बनाना और भाई ताकत भर बनना है आपको, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और भाई सपाटे मार के दिखा दूँ सही तरीके इस पे, देख लियो भाई सही तरीका जो भाई यह चीज है, बस सही तरीका यो है, ऊपर न जानती है ना ये ना। तो भाई इनको आप थोड़े मतलब स्पीड से भी लगा सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो, और आपके मतलब स्ट्रेंथ नहीं है तो स्लो स्लो स्टार्ट कर सकते हैं, पर आपको कुछ आपने आपको बनाना है तो उसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा, और आपको देसी में थोड़ा जाना है और देसी में आपको ताकत भर बना रहा है, एकदम बॉडी अच्छी बनानी है तो भाई आपको कुछ लंबा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई गोली खा ली या फिर कैप्सूल खा लिया उससे आपकी 1 महीने या 1 या फिर 2 महीने में बॉडी बन जाएगी या फिर आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तो भाई देसी में आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, लंबा जाओगे तो भाई आपकी जो बॉडी है वो लंबा ही चलने वाली है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब डाइट छोड़ दी वर्कआउट छोड़ दिया और एकदम से आपकी बॉडी भाग जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप एक बार अपनी आपको देसी तरीके से अपनी बॉडी बना लेते हो तो भाई वो बॉडी घटने वाली नहीं है। तो भाई आज के वीडियो में यही था, तो भाई आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आता तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, थैंक यू।